लेटर्स मतलब ए बी सी डी तो क्या हम लोग ऐसे बात करते हैं बी आप बोलोगे डी हम बोलेंगे सी आप बोलोगे ई ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं वी डोंट स्पीक इन लेटर्स राइट वी डोंट स्पीक इन लेटर्स जोईता आर यू अंडरस्टैंडिंग टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास सो डोंट वरी सो ट्राई टू लर्न आई आई एम यू नो ट्राइंग टू स्पीक सो ईजी A way so that you all can understand. Okay, my next question is, do we speak in words? kya hum words mein baat karte hain Yes sir. Yes Sometime, sir. Sometimes sir. Sometimes. Okay. But you like know, yes, no, thank you. हाँ, but you know, uh, in a true sense, we don't speak in words. Uh, suppose you know, because हम सिर्फ वर्ड में बात नहीं करते हैं, वो वर्ड के साथ कुछ hidden sentence रहता है. Suppose किसी कोई अगर हमें बोलता है कि You know, uh, have you taken your lunch? तो हम लोग बोलते हैं yes. लेकिन हमारा जो मेन होता है वो होता है यस yes, आई आप किसी को जाके अगर बोलोगे यस yes, वो क्या समझेगा वो कुछ नहीं समझेगा अगर आप किसी को जाके बोलोगे ब्लू तो क्या समझेगा सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है उसके आंसर में हम यस नो ब्लू ग्रीन बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ रहा है बट इन ट्रू सेंस वी डोंट स्पीक इन वर्ड्स

वट इज योर नेम हम लोग बोलते हैं सुभाष बट द मेन इज वॉट माई नेम इज सुभाष सो वी डोंड्स नॉर्मली बट नॉर्मली हम लोग वर्ड्स में बात नहीं करते बट ये माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू बी स्पीक इन सेंटेंस एप्सोल्यूटली राइट वी स्पीक इन सेंटेंस वी स्पीक इन सेंटेंस

एक होता है एक्शन सेंटेंस एक होते हैं एक्सप्रेशन सेंटेंस इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है ओके, एक्शन यू नो जिस सेंटेंस में कुछ काम करने की बात होती है दैट इज एक्शन सेंटेंस आई गो टू मार्केट गो गो इज एन एक्शन आई टेक वेजिटेबल्स टेकिंग इज एन एक्शन आई एम रनिंग रनिंग इज एन एक्शन सो सोचिए दुनिया में कोई भी इंसान इंग्लिश में बात करता है वो दो तरह के सेंटेंस ही यूज करता है सोचिए इंग्लिश इज डैम इजी डेट वेन एवर वी स्पीक वी मेक टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस दो से दो टाइप के थर्ड टाइप कुछ है ही नहीं सोचिए इंग्लिश कितना इजी से इजी लैंग्वेज हैसेस एक्शन एंड एक्सप्रेशन सपोज मैं बोलता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश इट इज एक्शन सेंटेंस आई एम टीचिंग राइट बट अगर मैं ये कहूं दट आई एम अ टीचर आई एम अ टीचर सो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन अच्छे से समझिए आई एम अ टीचर स्काई इज ब्लू the color of my house is white my hair is black these sentences are expressions but if i say i drink water action. Action i take is... water action. It is action yeah but if i say this bottle is mine ye bottle mine. so this is expression so guys we have to understand today वट इज एक्शन एंड वॉट इज एक्सप्रेशन चलिए एक सवाल पूछता हूं आपको बताना पड़ेगा आई लव इंग्लिश इट इज एक्शन और एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन और कोई आंसर एक्सप्रेशन yeah. भाई मैं इंग्लिश को प्यार करता हूं प्यार से बड़ा एक्शन तो हो ही नहीं सकता oh, sorry. आई लव इंग्लिश मैं इंग्लिश को प्यार करता हूं दिस इज एन एक्शन सेंटेंस अरे भाई प्यार सोते सोते नहीं होता है प्यार के लिए यू हैव 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 टू 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 डू लॉट ऑफ थिंग्स यू 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 केयर शेयर है इससे बड़ा एक्शन शायद ही कुछ हो सो लव इज एन एक्शन मैं अगर बोलू आई एम अ ग्रेट लवर अगर मैं बोलू आई एम अ ग्रेट लवर वो होगा एक्सप्रेशन Yes. Are you understanding, guys? See, today yes, is the first yes, yes. class. Today is the first class, and this class is very important to understand what is what is action and what is expression. Suppose if I say I sleep, I sleep a lot. I sleep a lot. Sleep a lot. Action or expression? Action. Expression. अरे भाई आई स्लीप मैं क्या करता हूं मैं सोता हूँ अरे सोना भी तो काम Excellent. है दिस इज एक्शन अभी भी बहुत लोग एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन कर रहे हैं action, action. मैं जो भी चीज मैं करता हूँ दैट इज एक्शन मैं प्यार करता हूँ सोता हूँ खाता हूं देखता हूं बात करता हूँ सुनता हूं वॉट एवर आई डू दैट इज एक्शन होल इंग्लिश इज स्टैंड अब एक्शन अगर आपको पता हो कैसे एक्शन सेंटेंस बोला जाए और कैसे एक्सप्रेशन सेंटेंस बोला जाए आपको इंग्लिश बोलने में कोई नहीं रोक सकता बस दो ही टाइप के सेंटेंस होते हैं एक्शन एंड एक्सप्रेशन सी दिस एंड यू कैन सी एक्शन सेंटेंसेज आर यूज नाइंटी फाइव परसेंट एंड एक्सप्रेशन आर जस्ट फाइव परसेंट मतलब वी हैव टू फोकस ऑन एक्शन सेंटेंस क्योंकि स्काई इज ब्लू आई एम अ टीचर माई नेम इभाष ये सब इजी सेंटेंस है एक्सप्रेशन वाले इसको सीखने की जरूरत नहीं है वी ऑल नो दिस स हमारी गलती होती है एक्शन सेंटेंस में और एक्शन सेंटेंस नाइंटी फाइव परसेंट यूज होता है तो इसीलिए वी आर नॉट गेस्ट आवर टाइम वी विल फोकस ऑन एक्शन सेंटेंस हमारे पास एक महीने का समय है एक्सप्रेशन पांच परसेंट यूज होता है वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन इट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एक्शन सेंटेंस ओके

एक्शन एक्शन ओके एक्शन ओके वेरी गुड सो भाई अगर एक्शन है एक्शन तो एक्शन करने वाला भी होगा इफ आई से माई फ्रेंड विल गो टू मार्केट इट इज एक्शन देन एक्शन करने वाला कौन है ये सेंटेंस माई फ्रेंड माई फ्रेंड 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 या माई फ्रेंड माई फ्रेंड

करेगा इन फ्यूचर करने की बात ही हो रही है जो वो फ्यूचर में करेगा वो मार्केट जाएगा ओके सो डुअर प्लस डुअर छोड़ के जो भी है उसको हम लोग बोलते हैं वट एवर डूअर विल डू जो भी वो डुअर करेगा ये फ्यूचर है इसीलिए करेगा अगर ये पास्ट सेंटेंस होता तो हम बोलते हैं वट एवर डूअर डिड वो क्या किया था और अगर ये प्रेजेंट होता तो हम लिखते व्हाट एवर डुअर डज ये फ्यूचर है इसलिए हमने लिखा है वॉट एवर डूअर विल डू तो गाई सबसे पहले सेंटेंस लिखा हमने ये एक्शन सेंटेंस है सेंटेंस एक्शन है तो डूअर है डूअर है तो डूअर क्या करेगा डूअर मार्केट जाएगा ओके वेरी गुड अब डुअर को ना हम एक और नाम से जानते हैं क्या आप में से कोई बोल सकता है डुअर को हम और क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वेरी गुड वी कॉल इट सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट पार्टी को हम subject लोग सब्जेक्ट पार्ट बोलते हैं और वट एवर डूअर विल डू को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेडिकेटिकेट एक्सिलुटली राइट यू पीपल आर सो स्मार्ट वी कॉल इट प्रेडिकेट पार्ट सी right. so हम लोग अभी सेंटेंस के पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आई नो कि इंग्लिश बोलते वक्त इतना तो दिमाग में थोड़ी रखना पड़ता है कि क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है लेकिन गाइज अगर आपको डॉक्टर बनना हो ना तो सबसे पहले आपको ना हड्डियों के बारे में पढ़ाया जाएगा कि शरीर में कहाँ कहाँ कौन सी हड्डियाँ हैं लाइक दैट वेन यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश यू शुड नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस सो दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंस आप एक सेंटेंस को बना सको अगर आपको सारे पार्ट्स के बारे में पता हो सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट दैट इज सब्जेक्ट पार्ट सब्जेक्ट पार्ट क्या है जो डुअर होता है उसी को सब्जेक्ट पार्ट बोलते हैं और डुअर जो भी करता है या किया था या जो भी करेगा उसको हम लोग प्रेडिकेट पार्ट बोलते हैं ओके okay? अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अदरवाइज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस शी हेल्प हर इज इट इज एन एक्शन सेंटेंस यस सर very good so who is the doer here see she she is the doer very good so yahan pe dekhiye past sentence hai to sentence kya ho jayega whatever did. doer did. did did whatever doer did whatever doer did doer ne jo bhi kiya tha yes okay और doer को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग Subject part. Absolutely right. Subject part. And whatever doer did, it is called predicate. predicate part. Good. Very nice. Very good. Okay, let's go for the next sentence. My brother loves football. It is an action sentence. My brother. Yes, sir. My brother. action. My Excellent. brother is not an action. My brother is a doer. Yes, sir. My brother part. is a doer. No, first doer i fir subject part aega.

अभी हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट पार्ट को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि सब्जेक्ट पार्ट के अंदर क्या हो सकता है कोई बात नहीं मैं तो हूं लास्ट में बताने के यस सिंगुलर और प्लूरल दो सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट दो हो सकते। नहीं वो तो अलग चीज है वो तो सिंगुलर uh, फ्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट पार्ट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट एक होता है एक्सटेंशन एक्सटेंशन एंड सब्जेक्ट वर्ड एक्सटेंशन या सो ये एक्सटेंशन और सब्जेक्ट वर्ड मतलब सब्जेक्ट पार्ट के अंदर है तो आप लोग गेस कर सकते हो सब्जेक्ट पार्ट के अंदर कौन सा है एक्सटेंशन और कौन सा है सब्जेक्ट वर्ड एक्सटेंशन माइ एक्सटेंशन माई or... uh, okay. और कोई गेस्ट करना चाहेगा पूछते हैं आप लोग बाराती तो देखे होंगे बारात बाराती राइट right? बारात होता है शादी होता है शादी में बाराती होते हैं तो जब भी शादी होता है तो शादी में बारात जब जाता है ना तो वहां पे भी दो टाइप के लोग होते हैं एक होता है दूल्हा और एक होता है बाराती सो आई एम आस्किंग टू यू दैट हु इज जोता बाराती इज मोर इम्पोर्टेंट और दूल्हा इज मोर इम्पोर्टेंट दूल्हा दूल्हा बट बाराती तो भाई पचास साठ सत्तर लोग वो इंपॉर्टेंट नहीं है आप दूल्हा इम्पोर्टेंट है बोल दूला दूला। रहे हो दूल्हा नहीं रहेगा तो बाराती कैसे रहेगा ना तो एक्सोल्यूटली राइट बाराती अगर हजार भी हो दूल्हा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटा नहीं दूल्हा नहीं होता तो बाराती है एकदम वही बात है तो वही बात है, subject part में जो extension है ना वो बाराती है और जो सब्जेक्ट वर्ड है ना वो दूल्हा है उस सब्जेक्ट वर्ड इज दूल्हा एक्सटेंशन हो ना हो सब्जेक्ट वर्ड जरूर होगा एक्सटेंशन में भी मिसिंग जीरो भी हो सकता है एक्सटेंशन But subject word is the most important word in a subject part. So, of course, in this sentence, my is the extension and brother is the subject word. Yes, subject word ki baat kar rahe. It is a subject part. In subject part, we have got extension and subject word. Is there any doubt if you have? Please ask me.

जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आर ओ पी आर ओ पी रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट अच्छे समझिए प्रेडिकेट पार्ट से अगर वर्ब को हटा दिया जाए तो प्रेडिकेट का बाकी पार्ट बचेगा उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट तो कैन यू टेल मी इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द वर्ब एंड व्हाट इज द आरोपी फुटबॉल ROP. Okay, so you want to say love is a verb and football is rest of predicate. It means ROP. Yes, Absolutely sir. right. Absolutely right. Very good. Very nice. You people are very nice and very much, you know, you are informative. You have a lot of information. Very good. So, guys, this is the sequence, you know, sequence of a sentence. Sentence ka construction starts with an extension then subject word, then verb and then rest of predicate. If there are any question you can knock me otherwise I'll go ahead. Okay. So sentence starts with an extension, then subject word, then verb,

तो yes, yes. So, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया सब्जेक्ट वर्ड लेकिन एक्सटेंशन कहाँ है देर एनी एक्सटेंशन नो सर सो मैंने पहले ही बोला था ना एक्सटेंशन के बिना हो सकता है सब्जेक्ट वर्ड अकेला बट ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्सटेंशन है सब्जेक्ट वर्ड नहीं है ऑलवेज रिमेम्बर वेन यू स्पीक एनी सेंटेंस ओके सब्जेक्ट वर्ड वर्ब वन टेकन इज अर्ब टू एंड हर ब्रेकफर्ट इट इज कॉल्ड रेस्ट ऑफिकेट तो बेसिकली अगर मैं बोलू तो सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो विदाउट एक्सटेंशन भी हो सकता है नो एक्सटेंशन यस सेंटेंस नो एक्सटेंशन यस सेंटेंस एक्सटेंशन के बिना भी सेंटेंस बन सकता है जो हमने अभी देखा Any any question till now? So we can really say that sentence can be started with a subject word, then verb, and then rest of predicate. This is the sequence. In future, कभी भी आप इंग्लिश में बात करने जाओ, ये जो sequence है, ये ही sequence में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश में बात करते हैं. Most of the people they speak

ऑल दो ये पार्ट आपको पता होगा बट फिर भी आप फिर इसको समझो एक सेंटेंस जैसे स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ड वर्ब इज इट्स एंड रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट इज बिरयानी अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं अच्छे से समझिए इस चीज को अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो सेंटेंस बन जाएगा मेरे पिताजी बिरयानी खाते हैं मेरे पिताजी बिरयानी खाते हैं ये अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं अब एक चीज देखिए जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो पिताजी बन जाता है सब्जेक्ट वर्ड खाते हैं बन जाता है वर्ब और यू you नो know, बिरयानी बन जाता है रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट और मेरे पिताजी मेरे बन जाता है एक्सटेंशन इसका मतलब है जब आप हिंदी में या किसी और भाषा में बात करते हो तो सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट वर्ड रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट एंड वर्ब आप एक चीज देखो जब आप हिंदी में बात करते हो या बंगाली में बात करते हो या किसी और लैंग्वेज में बात करते हो वर्ब हमेशा लास्ट में आता है और जब आप इंग्लिश में बात करते हो वर्ब हमेशा बीच में आता है इस चीज का हमेशा ध्यान रखना वेन यू स्पीक इन इंग्लिश वर्ब बीच में आता है वर्ब सिट्स इन द मिडिल प्लेस मतलब सब्जेक्ट वर्ड वर्ब एंड रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट यही सीक्वेंस रहता है लेकिन जब आप हिंदी या बंगाली में बात करते हो या किसी और लैंग्वेज में बात करते हो आप देखोगे सब्जेक्ट वर्ड के बाद रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट आता है और वर्ब सबसे लास्ट में आता है इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए ये इसलिए मैं बोल रहा हूं सपोज आपको बोलना हो कि मैं मैं ने बहुत जन को देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत लोग बोलते हैं जैसे अगर मेरे को बोलना हो कि मैं यू नो इफ आई वांट टू से इफ आई वांट टू से कल मुंबई जाऊंगा तो बहुत लोग सोचते हैं मैं मतलब आई मुंबई मतलब मुंबई और जाऊंगा मतलब गो तो वो लोग बोलते हैं मैं आई मुंबई गो तो वो लोग जो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं वो गलत होता है क्योंकि इंग्लिश में वर्ब बीच में होता है ऑलवेज रिमेंबर दैट वो ऐसे नहीं होगा वो होगा आई गो टू मुंबई और अगर फ्यूचर में हो तो आई विल गो टू मुंबई सो ऑलवेज रिमेंबर दिस अगर देखो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं नेवर ट्रांसलेट कभी भी ट्रांसलेशन नहीं करना है इफ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक इफ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश वर एवर ट्रांसलेट कभी भी ट्रांसलेट मत कीजिए बिकॉज अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आप कभी भी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाओगे यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश आप बार बार मैं बोल रहा हूं कभी भी आप ट्रांसलेट वेन एवर यू स्पीक इन इंग्लिश अगर आप सच में फ्लुएंट बोलना चाहते हो तो कभी भी ट्रांसलेशन मत कीजिएगा यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इंग्लिश बोलते बोलते ही आप इंग्लिश बोल पाओगे वो हिंदी से इंग्लिश बंगाली से इंग्लिश उर्दू से इंग्लिश मराठी से इंग्लिश असामी से इंग्लिश ऐसे आप, आप बोल लोगे लेकिन कभी भी आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे इस चीज का हमेशा ध्यान रखना इफ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश स्पीक रॉन्ग but you have to speak in English.